माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला जो केक है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे मैंने जो है 10 इंच का फ्लैट वाला केक मोल्ड यूज़ किया है, एकदम फ्लैट है। जो पहले मैंने लास्ट टाइम जो बनाया था ना केक, उससे भी ज़्यादा ये फ्लैट वाला है। एंड साथ में मैंने 5 इंच का यहाँ पर केक मोल्ड यूज़ किया है। तो दोनों की मेजरमेंट और कितना मैंने क्या प्रीमिक्स लिया, सारी चीज़ें जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको, ताकि वहाँ से देख के आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो साथ में जो केक है हमारा 3.5 किलो का केक बनने वाला है। और केक जो है कस्टमर को बहुत ज़्यादा हाइटेड में नहीं चाहिए था, क्योंकि केक की जो डेकोरेशन है कुछ उस तरह की थी जैसी उन्होंने मुझे पिक्चर दी थी। तो ये वही वाला केक है जिनका लास्ट टाइम मैंने मैशा बियर का केक बनाया था, तो काफ़ी ज़्यादा हाइट में भी था वो वाला केक। तो इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि आज वाली जो थीम है डिफरेंट है, आज मेरे दूसरे वाले बेटे का बर्थडे है, तो आप जो है ना एकदम अलग थीम बनाइएगा, और केक को आज वाले जो केक बनाओगे आप उसे ज़्यादा हाइटेड मत बनाइएगा, और 3.5 किलो का केक चाहिए क्योंकि हमारे गेस्ट जो है वो थोड़े कम है जितने पहले थे। तो केक की जैसे हम कटिंग करते हैं वैसे ब्रेड नाइफ के साथ सारे केक की कटिंग कर लूँगी। और केक की ब्रेड आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, मैं इसमें केक जेल यूज़ नहीं करती हूँ। कभी ऐसा होता है कि अगर मैं कर लूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करती हूँ यहाँ पे। तो जो होममेड वाले भी प्रीमिक्स होते हैं उसमें भी मैं बहुत कम ही यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से जो है मैंने केक की पूरी बेकिंग कर ली थी, और केक की कटिंग जो थी वो भी हमने कर ली। और ये 5 इंच का है, इस पर भी मैंने 1/2 kg से ऊपर का यहाँ पर केक जो है बेक कर लिया था। तो इसकी जो क्वान्टिटी है ये मैंने 5 इंच के हिसाब से वैसी रखी, लेकिन बस आपको 2 टायर का केक बनाना है, आपको पूरी क्वांटिटी का ध्यान रखना, और ऊपर का जो टॉप आप केक बनाओगे बस उसकी थोड़ी सी आपको हाइट करनी है। एंड दोनों में डिज़ाइन जो है काफ़ी डिफरेंट है, जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी इजी, क्योंकि आज वाला जो केक है फ्रेंड्स ये भी पूरा स्टिकर्स डिज़ाइन बनने वाला है, और आज वाले केक में भी 0 फॉन्डेंट है डेकोरेशन, एंड क्रीम की भी कोई डेकोरेशन नहीं है। क्रीम के साथ जो हम केक को आइसिंग करेंगे वही है, और लेकिन इसमें फिनिशिंग तभी आएगी अगर आप अच्छे से केक की आइसिंग करोगे, क्योंकि इसकी जो लुक है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये जो केक है आज हमारा, ये पूरा का पूरा जो है स्टिकर बेस्ड केक है, क्योंकि स्टिकर वाले बहुत ज़्यादा, जैसे मैं कह रही हूँ, अभी डिमांडिंग आ रहे हैं, और एक दूसरे को देख के ना केक के आइडिया हो जाते हैं कि मतलब इस तरीके का केक बना है। और जितने भी ये ऑर्डर्स दे रहे हैं ना मुझे, ये सारे एक दूसरे की पार्टी में ऑलरेडी इन्वाइटेड रहते हैं एज अ गेस्ट, तो उनके जो अपकमिंग ऑर्डर होते हैं तो वो वही चीज़ को देख कर जो है ना केक का मुझे ऑर्डर देते हैं। यहाँ पर जो है ये मैंने केक बोर्ड यूज़ कर लिया है, और ये वाला जो केक बोर्ड है ये आपका 12 इंच का केक बोर्ड है, बड़ा वाला राउंड शेप का, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। और इसे जो है मैंने 25-30 कुछ ऐसे करके मैंने इसे बाई किया था, मुझे ठीक से याद नहीं, पर इसकी प्राइस जो है वो भी मैं पूछ के आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं बल्क में लेती हूँ तो मुझे उतना ध्यान नहीं रहता। जो चीज़ें मैं थोड़ी कम में लूँ तो मुझे उसका पूरा आइडिया रहता है कि ये चीज़ को मैंने इतने में परचेस किया था। तो इस तरीके से जो केक है हम जैसे आइसिंग करते वैसे ही करेंगे। और फ्रेंड्स आज वाला केक भी जो है ये भी पाइनएप्पल फ्लेवर का है, मतलब इतने पाइनएप्पल फ्लेवर। और मैंने एक कस्टमर को पूछ ही लिया कि अब भी पाइनएप्पल दे रही हो, लास्ट टाइम में मैशा बियर पाइनएप्पल, तो उन्होंने कहा कि बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं पाइनएप्पल फ्लेवर, तो इसीलिए जो है मैं पाइनएप्पल फ्लेवर लेती हूँ और क्रश वाला ही, क्योंकि जो अगर हम पीसेज यूज़ करते तो बच्चे खाए ना खाए तो वो भी वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए जो है मैं बच्चों के लिए स्पेशल केक है तो मुझे पाइनएप्पल क्रश वाला ही केक चाहिए, बच्चों को चॉकलेट से भी ज़्यादा वो पसंद आ रहा है आजकल, तो इसलिए जो है पाइनएप्पल का कुछ ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। और अपकमिंग देखते हैं जो ऑर्डर्स है वो कौन से फ्लेवर में हमारे होने वाले, क्योंकि ऑर्डर्स तो कन्फर्म है जो मेरे अपकमिंग है इस मंथ पे, लेकिन उनके फ्लेवर्स अभी तक डिसाइडेड नहीं है। वो कस्टमर ने हमें कहा था कि मैं आपको डिसाइड करके घर पर जो है डिस्कस करके हम आपको बता देंगे। तो जैसे हम आइसिंग करते हैं वैसे हम केक की आइसिंग करेंगे हमेशा की तरह। और बाकी जो भी आपके, जैसे मैं कहती हूँ कमेंट्स में कि जो भी आपकी डाउट्स रहते हैं वो ज़रूर पूछें, जितनी कोशिश होगी वो मैं रिप्लाई करूँगी। और दिल से शुक्रिया आप सबका इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए, आप इतनी दूर दूर से मेरी वीडियोज़ को देख रहे हो और इतना अप्रिशिएट कर रहे हो। डिज़ाइंस आप सबको अच्छे लग रहे हैं तो कोशिश ज़रूर करें कि ऐसे डिज़ाइंस आप बनाएं, जितने भी होम बेकर्स हैं वो ज़रूर ट्राई करें कि ऐसे जो डिज़ाइंस हैं वो बना सके। काफ़ी ईजी तरीके से मैं चाहती हूँ कि आप सबको सिखाऊं, ताकि आप सबको समझ में भी आए और आप हर एक चीज़ जो है अच्छे से बना के प्रेजेंट करके अपने कस्टमर को दे सको। और जो मैंने पापा वाले केक पे जो स्टिकर लगाया था वो मैंने जो था परचेस किया था शॉप से, आप चाहो तो उसे प्रिंट भी करवा सकते हो या फिर ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो, बहुत सारे मिल जाते हैं। और जो मोस्टैच वाला जो मूछ वाला जो स्टिकर था वो भी मैंने जो है शॉप से ही परचेस किया था, कुछ भी ऑनलाइन नहीं मंगवाया था वो वाला। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी सी जो दुकान है ना जहाँ पर बहुत अच्छे टॉपर्स मिलते हैं वहाँ से
भी मिल जाएगा और ऑनलाइन भी मिल जाएगा। ईजिली ऑनलाइन हर एक चीज़ मिल जाती है फ्रेंड्स, बस यही है कि थोड़ा सा प्राइस का जो है वो डिफरेंस रहता है कि प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, जैसे 20-30 रुपये जो है ना एक्स्ट्रा पड़ जाते हैं या फिर आपकी डिलीवरी कॉस्ट जो है वो एक्स्ट्रा पड़ जाते हैं, बस यही डिफरेंस रहता है। बाकी जो केक के जो भी टॉपर्स हैं वो आपको ऑनलाइन भी इजीली मिल जाते हैं, उनकी क्वालिटी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी होती है जैसे हम शॉप से लेते हैं, लेकिन अगर आपको शॉप से मिलता है तो आप शॉप से जो है उसे भी इजीली ले सकते हो। तो लेयरिंग बाय लेयरिंग यहाँ पे हम करते जाएंगे। और क्रीम जो है यहाँ पे हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करनी, क्योंकि कस्टमर ने हमें कहा था कि दीदी क्रीम जो है आप ज़्यादा मत लगाइएगा, जितनी आपने लास्ट टाइम लगाई थी वो ठीक थी लेकिन उससे भी थोड़ी कम लगाइएगा आप। तो भले केक की हाइट थोड़ी कम लगे या फिर कुछ भी ऐसा हो, बस हमें केक अच्छा चाहिए जैसा बना के देते हो लेकिन क्रीम थोड़ी सी आप कम कर देना। तो मैंने कहा ठीक है, तो इसलिए क्रीम जो है मैं थोड़ी कम लगाऊंगी और पाइनएप्पल का क्रश जैसे हम लगाते हैं वैसे, और कंजूसी एकदम नहीं करनी है। बड़े केक आप बनाते हो, आपके अच्छे बजट के केक अगर आपको ऑर्डर में मिलते हैं तो आपको जो है एसेंस जो भी फ्लेवर्स आप यूज़ करते हो ना उन्हें अच्छे से हर एक केक की लेयर में लगाएं, ताकि ईच बाइट में कस्टमर को जो भी फ्लेवर है ना वो अच्छे से आए। और फ्रेंड्स मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, लास्ट टाइम जो मैंने रसमलाई फ्लेवर वाला केक कवर किया था, जो मैंने क्रश यूज़ किया था, कस्टमर को केक बहुत अच्छा लगा, टेस्ट बहुत अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने जो रसमलाई वाला क्रश यूज़ किया था ना उसमें मिठास बहुत ज़्यादा थी, केक में मिठास बहुत ज़्यादा थी। तो मुझे कस्टमर ने कहा जब आप रसमलाई जो मिठाई है वो यूज़ करते हो ना तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और वो एकदम डिफरेंट होता है, क्योंकि आप उसमें जो रसमलाई का मिल्क यूज़ करते हो एंड रसमलाई के जो चंक्स आते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन ये जो रसमलाई का ये जो क्रश है ना ये एक्स्ट्रा मीठा है और इतना मीठा है कि ये ऐसे लगता है कि जैसे मतलब हम शुगर सिरप जो है ना काफ़ी मोटी सी लेयर अगर किसी ने लगाई हो इस तरीके से। बाकी उन्होंने कहा कि आपका टेस्ट जो है केक का हम करते काफ़ी अच्छा होता है, केक का टेस्ट, केक की जो ब्रेड थी सारी चीज़ें एकदम सॉफ्ट थी, केक भी टेस्टी था लेकिन एक्स्ट्रा स्वीट था। तो उन्होंने मुझे कहा एक बार आप पर्सनली बना के देखिएगा, उसके बाद जो है आपको खुद पता चल जाएगा कि टेस्ट कैसा है नहीं है, तो आप जो है ना उसके बाद उसे अपने हिसाब से कर सकते हो। तो ये चीज़ उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी कही और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, और जैसे कि मैंने कहा था कि इसे जो है एक बार मैं खुद बना के भी देखूंगी घर पे कि ये किस तरीके का टेस्ट है इसका, तो उसको मैं ज़रूर एक बार ट्राई करूंगी कि जो रसमलाई का क्रश है उसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि जब तक मैं टेस्ट नहीं करूँगी तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से। बाकी कस्टमर ने मुझे फीडबैक अच्छी दी और उन्होंने जो था मुझे इस तरीके से बताया कि ये कैसा था नहीं था, तो काफ़ी अच्छा लगा, ऐसे मुझे हेल्प हो जाए, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अगर बड़े वाले कुछ केक और ज़्यादा आते तो उस पर मैं लगा देती और फिर कस्टमर को ना पसंद आता, तो ऐसे अच्छी फीडबैक नहीं मिलती है। तो यहाँ पे केक की जो है हमने आइसिंग करनी स्टार्ट कर दी। जो लॉलीपॉप स्टिक थी वो मैंने पूरी उसके हाइट की जैसी थी पूरा मैंने अच्छे से नाप के उसे कट कर लिया और सारे जगह पे उसे लगा के अच्छे से मैंने फ़िक्स कर दिया, ताकि केक जो है हमारा अच्छे से फिक्स हो जाए। और फ्रेंड्स ये वाला जो केक है ना काफ़ी बड़ा है, ठीक है, इसकी हाइट ज़्यादा नहीं की है मैंने, लेकिन ये जो केक है 10 इंच के बोर्ड पे मोल्ड पे केक बना है फ्लैट वाले पे, लेकिन इसकी जो लेयरिंग है सारी चीज़ें हैं, और इसमें क्रीम मैंने बहुत कम लगाई है, ज़्यादा क्रीम नहीं लगाई है। साइड पे भी जो है हम क्रम क्रीम लगाएंगे, इसे अच्छे से जो है वाइट कलर के साथ व्हाइट क्रीम के साथ ही जो है हम इसे अच्छे से जो है इसकी एजेस को क्लीन करेंगे स्क्रैपर की हेल्प से, और उसके बाद जो उसकी टॉप वाली सरफेस हम बनाएंगे ना ऊपर में जो टॉप वाला केक, उसे हम दूसरे कलर के साथ करेंगे, क्योंकि जैसी पिक्चर हमें कस्टमर ने दी थी वैसी थी, लेकिन पिक्चर में जो था ना वो मिकी माउस के स्टिकर बने थे, लेकिन उन्हें मिकी माउस के स्टिकर नहीं, उन्हें रेनबो वाला कुछ केक चाहिए था, क्लाउड्स बने हो, मून बना हो, इस तरीके का उन्हें कॉम्बिनेशन वाला केक चाहिए था, काफ़ी क्यूट सा केक। तो मैंने उस तरीके से सारी चीज़ें सेम रखी, जो स्टिकर्स हैं वो मैंने चेंज किए। तो इस तरीके से जो है टॉप सरफेस को भी हम क्लीन कर लेंगे, क्लीन हमने कर लिया है, उसके बाद जो है यहाँ पे हम स्विल्स के डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये काफ़ी इजी और मुझे ये चीज़ करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है और इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता है मुझे जब भी मैं ये बनाती हूँ। तो इस तरीके से इसे भी हम कर लेंगे। केक बोर्ड को जो है हम साफ़ करके फ्रिज में इस केक को रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे देखिए सेकंड वाले केक के भी हम आइसिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ब्लू कलर की क्रीम बना ली है, लाइट ब्लू कलर की बनाई है, यानी कि 1 ड्रॉप जितना है मैंने यहाँ पे यूज़ किया, क्योंकि क्रीम की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी कम है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 ड्रॉप जितना यूज़ किया है कलर को। अगर क्रीम की क्वांटिटी ज़्यादा है और आपको
कलर फिर भी लाइट चाहिए तो आप 2 ड्रॉप डालें, और उससे भी ज़्यादा है अगर तो फिर आप 2-2.5 ऐसे, मतलब 3 ऐसे, थोड़ी 3 से थोड़ी कम, एकदम थोड़ी थोड़ी करके आप थोड़ा डालते जाएं और मिक्स करते जाएं, काफ़ी लाइट कलर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 कलर डाला है, मतलब 1 ड्रॉप जितना डाला है, और इसकी भी आइसिंग जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे। और यहाँ पर जो ऊपर का डिज़ाइन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जब हम इसकी आइसिंग करेंगे तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और साथ में जो है आपके मुझे जैसे कमेंट आए थे, टीम जो है हमारी जब हम उसे बीट करते हैं उसके स्टिफ पीक्स नहीं आते हैं, मेल्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे 2 बार जो है मैंने वीडियो अपलोड की है कि क्रीम को किस तरीके से आप जो है ना बीट कर सकते हैं, एंड मैंने सारा प्रोसेस बताया है कि आप जो है क्रीम पे अगर बहुत ज़्यादा आपकी मेल्ट हो रही है तो आपको इस तरीके से जो है क्रीम को हैंडल करना है। थोड़ा सा आप उसमें 1/2 टीस्पून जितना जो है कॉर्नफ्लावर यूज़ करें, थोड़ा सा आप आइसिंग शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप उसे बैलेंस कर सकते हैं, और क्रीम को किस तरीके से स्टोर करके रखना है, कितनी आपको बीट करनी है, 1000 वॉट तक अगर आपका बीटर रहता है तो ज़्यादा बेटर रहता है। उससे जो है क्रीम बहुत जल्दी अच्छे से बीट होती है, एंड उनके जो स्टिप पीक्स है ना वो काफ़ी अच्छे आते हैं। अगर आप कम वॉट का यूज़ करोगे ना तो क्रीम जल्दी जो है ना बीट नहीं होती, तो ये भी बहुत बड़ा एक फ़र्क पड़ जाता है क्रीम के ऊपर। बाकी आप वीडियो को देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा कि क्रीम को किस तरीके से हैंडल करना है। कोई भी इसमें बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप अच्छे से एकदम करोगे वीडियो को देख के तो ज़रूर आपकी हेल्प होगी। बाकी कोई भी अगर दिक्कत होती आप ज़रूर कमेंट करें, मैं आपके रिप्लाई ज़रूर दूंगी जब भी फ्री होंगी, या फिर जब भी आपका देखूंगी रिप्लाई तभी आपको दूंगी। तो इस तरीके से इसे भी जो है हम अच्छे से ब्लू कलर के साथ ही क्रम कोट कर लेंगे। और यहाँ पे सेम ही फ्लेवर था, ऐसा कुछ नहीं था जैसे कि मैशअप बियर में था कि हमें जो बॉटम लेयर है वो पाइनएप्पल चाहिए और टॉप लेयर है जो वो हमें चॉकलेट चाहिए। यहाँ पर दोनों केक के फ्लेवर सेम थे। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर एक ही केक में बहुत सारे फ्लेवर्स जो है ना वो डिमांड करते हैं, तो ये सारी उनकी चॉइसेस ऊपर डिपेंड है। तो इसे भी जो है हम बड़े वाले स्क्रैपर के साथ इसकी एजेस को भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे यहाँ पे, और टॉप वाली सरफेस जो है उसे भी हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और जैसे आपकी अगर कोई भी आगे डिमांड होती है, जो बाकी सारी डिमांड्स आप सबके रिक्वेस्ट नोटेड है वो सारी भी मैं अपकमिंग लेके आ रही हूँ वीडियो, तो वो सब भी मैं शूट कर रही हूँ। तो एडिटिंग करते सारी चीज़ें करते काफ़ी टाइम हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि सारा कुछ मैं अकेले करती हूँ, और अभी अभी थोड़ी बहुत नॉलेज हो रही है मुझे ये थोड़ा कैसे एडिटिंग करनी है, क्या चीज़ कैसे करनी है, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे कोई भी ऐसे आइडिया नहीं था। तो जैसे भी मैं थंबनेल बनाती हूँ बस आपको नॉलेज देने के लिए आज का केक इससे रिलेटेड है, तो कोशिश रहती कि हर बार आपको कुछ ना कुछ नया दिखाऊं जो मैं एक्सपीरियंस करती। तो यहाँ पे ये ब्रश की हेल्प से ना, सिलिकॉन ब्रश मैंने ले लिया था, उसकी हेल्प से ये वाला मैंने डिज़ाइन बनाया यहाँ पे इस तरीके से। तो ऐसा ही सेम केक पे था जैसा कस्टमर ने हमें दिया था, तो मैंने भी सेम बनाया। ये देखिए, ये मेरे पास वुडन डावेल इस तरीके से पूरा पैकेट है। ये भी मैंने 100 कुछ समथिंग का मैंने परचेस किया था, 110 या 120 कुछ ऐसे ही था, लेकिन 100 से ऊपर था। तो यहाँ पर इसे भी जो है हम यूज़ कर लेंगे। जो सेकंड वाला केक था हमने फ्रिज में रखा था, उसे भी मैंने यहाँ पे निकाल दिया। निकालने के बाद जो है इस वाले केक के ऊपर हम सेकंड बॉटम वाला जो केक है ऊपर का टॉप वाला, उसे हम यहाँ पे रख देंगे। एक पैलेट नाइफ को इस तरीके से मैंने रखा है, और दूसरे वाले साइड पर जो है ना इस तरीके से हम इसे स्लोली जो है डाउन साइड से एकदम निकाल देंगे। तो ऊपर में मैंने जो है वुडन टॉवल रख ली, और नीचे से यहाँ से मैंने ये पैलेट नाइफ को इस तरीके से मूव कर लिया। काफ़ी इजीली ये मूव भी हो गया केक, और यहाँ पे केक जो अच्छे से हमारा स्टेबल भी हो गया। और वुडन डावेल को पहले जो है हम पूरा अच्छे से अंदर इंसर्ट कर देंगे केक के, और उसके बाद जो है इसे ऊपर से मार्क करके हम देख लेंगे कि ये कितना बड़ा है, और वहाँ से जो है हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के लिए सिंपल मैंने नाइफ के साथ यहाँ पर थोड़ा सा मार्क किया, एंड हाथ के साथ इसे मैंने तोड़ लिया, ईजिली निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से इसे जो है हम केक में अच्छे से सेट कर देंगे, और केक जो है हमारा एकदम सेट है। अब कहीं पर भी लेके जाओ ऐसे केक डिलीवरी देने के लिए, दूर हो या नज़दीक हो या फिर कस्टमर खुद आ रहे हैं, फॉर श्योर आपका केक कुछ नहीं होने वाला, केक एकदम अच्छे से सेट रहेगा। क्योंकि जो डाउन वाली सरफेस थी केक की, वहाँ पे भी हमने अच्छे से केक को फिक्स किया था, और यहाँ पर भी किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊपर में वुडन डावेल भी थोड़ा सा दिख रहा है, तो उसे भी हम हाइड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए मेरे पास कुछ स्टिकर्स हैं, ये स्टार्स बने हुए हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे, इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और इसे भी जो है मैंने यहाँ पे जो लोकल शॉप है वहाँ से इसे परचेस किया था, तो इसका भी जो दाम था वो भी 70-80 कुछ ऐसे करके था।
जगह जगह का फ़र्क होता है, जैसे बहुत सारी प्लेसेस में क्रीम की जो प्राइजेज़ है वो ज़्यादा है या कम है। जैसे कि लास्ट टाइम कमेंट में बहुत मेरे व्यूअर्स के कमेंट आए कि मैम हमारे यहाँ पे ये जगह पे इतना दाम है प्राइस क्रीम का, तो ऐसे ये फ़र्क पड़ जाता है। बहुत सारी जगह पे आपको सेम चीज़ मिलती है लेकिन प्राइजिंग जो है वो फ़र्क पड़ जाता है। तो यही चीज़ मैं आपको बोलती हूँ कि केक की भी जो प्राइस है ना वो जगह के हिसाब से ज़्यादा कम ले लेते हैं कस्टमर। तो यहाँ पे देखें, ये स्टिकर मैंने लगा दिया, रेनबो लगा दिया, सामने मैंने सन लगा दिया, काफ़ी क्यूट से ये वाले मतलब केक थे। और ये जिनका केक था उनके छोटे बेटे का बर्थडे था, तो यहाँ पे इसे मैंने लगा लिया। बाकी के जो स्टिकर्स हैं वो भी मैं यहाँ पे टॉप वाली सरफेस पे लगा लूँगी अच्छे से। कुछ मेरे पास ये क्यूट से क्लाउड है वो बने हुए थे ऊपर में, इसे भी लगा लूँगी। मैंने पहले सोचा, उन्हें कहा कि आप फॉन्डेंट के लोगे, उन्होंने कहा नहीं हमें फॉन्डेंट एकदम नहीं चाहिए। लास्ट टाइम जो केक था हमारा एकदम अच्छे से सर्व हो गया, कुछ भी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हुई, स्टिकर बच्चों के काम भी आ गए, उन्होंने हटा के स्टिकर्स अपने पास रख भी लिए। तो ऐसे कहना स्टिकर्स भी काम आ जाते हैं बच्चों के, वो साथ में खेलने भी लगते हैं। तो फॉन्डेंट आप रहने दो सिर्फ स्टिकर्स के बना के, तो बहुत सारे एडवांटेजेस है कस्टमर को भी स्टिकर्स के, तो शायद इसलिए भी डिमांड होती है और हमारा भी काम ईजी हो जाता है कि केक जल्दी बन जाता है अगर जितना भी अर्जेंट ऑर्डर हो। तो यहाँ पे जो है मैंने मून भी लगा दिया काफ़ी अच्छे से, स्टिक तो थी वो भी लगा दी थी। ये मून पे ना स्टिक नहीं लगी हुई थी, इसे मैंने खुद लगाया था स्टिक को। तो यहाँ पर जो है ये जो क्लाउड्स है इस पर भी स्टिक नहीं लगी थी फ्रेंड्स, इसे भी मैंने लगाया था। और स्प्रिंकल्स यहाँ पे मेरे बहुत सारे तरह के थे, ये वाइट वाले भी है, यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा लगाऊंगी। स्प्रिंकल्स के साथ हमें पूरे केक को कवर नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा सा लगाना है, क्योंकि जैसा जैसा पिक्चर में है थोड़े थोड़े कहीं कहीं पर जो है ना स्प्रिंकल्स थोड़े से स्प्रेड थे, हमें भी बिल्कुल वैसे ही लगाने हैं। और ये वाला जो केक है ये मुझे खुद डिलीवरी देने जाना है, 20-25 मिनट का रास्ता था जहाँ पे मुझे जाना था वेन्यू पे। तो केक की जो डिलीवरी चार्जेस है सारी चीज़ें लेके कितना प्राइस मैंने लिया वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे 3.5 kg का केक है, इसकी जो डाउन वाली सरफेस है ना जो केक की बॉटम वाली है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ी बनी है, और ऊपर की मैंने उतनी हाइट की रखी ताकि केक जो था जैसा उन्होंने मुझे पिक्चर में दिया था ना, उन्होंने कहा था कि हमें एग्जैक्टली ऐसा ही चाहिए केक इतनी हाइट का। सिर्फ उसमें मिकी माउस स्टिकर थे लेकिन उन्हें जो था रेनबो चाहिए था, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन और डिज़ाइन सेम यही चाहिए था जो मैंने बनाया। तो पापा वाला केक भी मैंने एग्जैक्टली वही बनाया और ये वाला केक भी मैंने एग्जैक्टली वही बनाया, सिर्फ स्टिकर्स चेंज थे, स्टिकर्स उनके हिसाब से थे जैसे उन्हें चाहिए। तो यहाँ पे ये वाले पर्ल वाले भी हम लगा लेंगे थोड़े से स्प्रिंकल्स इस तरीके से। केक की फिनिशिंग देखिए कितनी अच्छी आई है फ्रेंड्स, और इसकी मैं ओवरऑल लुक जो है आपको क्लोज करके जैसे हमेशा दिखाती हूँ वैसे ही दिखाऊंगी। और वेन्यू पे जाके मैंने कुछ भी डेकोरेट नहीं किया, इसलिए घर पे ही मैं आपको सारी इसकी ओवरऑल लुक दिखा देती हूँ कि किस तरीके से जो है इस केक को मैंने पूरा डेकोरेट किया, और ऊपर से टॉप सरफेस से भी ये केक कैसा दिख रहा है, इसकी लुक कैसी आ रही है, इसके स्टिकर्स की क्वालिटी कैसी है, कैसे डिज़ाइन है, ताकि सारी चीज़ें जो है आपको अच्छे से समझ में आए, आप अच्छे से देख पाओ और ऐसा केक डिज़ाइन आप भी बना सको, अपने कस्टमर को भी दे सको कि किस तरीके से जो है आपने ये डिज़ाइन बनाया है, और उन्हें भी प्रेजेंट करके आप दे सको, तो आप भी बना सकते हो इसे। बाकी आप सब ट्राई करें, बनाएं अच्छे अच्छे केक के डिज़ाइन, जो भी होम बेकर हैं सबके लिए बेस्ट विशेज़, क्योंकि मुझे कमेंट आते हैं मैम मैं भी होम बेकर हूँ। आप सबको जो है बेस्ट विशेज हैं कि आप अपनी जर्नी पे कुछ अच्छा और करें, केक के ऑर्डर्स और ज़्यादा आएँ आप सबको, और आप भी काफ़ी अच्छे केक्स जो है ये बनाएं। तो ये इसकी ओवरऑल लुक है फ्रेंड्स। और ये जो केक है ये मैंने पूरा 1850 का दिया, 1850 का मैंने ये वाला केक दिया है, 3.5 kg केक है। लास्ट टाइम पापा वाले केक पे जो था मैं शायद मैंने प्राइस बताया था लेकिन क्लियर नहीं हो पाया, इसलिए यहाँ पे मैं आपको 2-3 बार बता रही हूँ कि 1850 का मैंने ये वाला केक दिया था कस्टमर को विद डिलीवरी चार्जेस। तो ये देखिए ये पूरी इसकी ओवरऑल लुक है, काफ़ी क्यूट सा ये केक बना है, साथ में क्लाउड्स है, ये स्टार्स हैं, और ये वाला रेनबो वाले जो बने सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आपका आज का केक जो है आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, कस्टमर को एज़ यूजुअल पसंद आया, तारीफ़ उन्होंने बहुत की, मुझे स्पेशली फ़ोन करके भी बोला कस्टमर और मेरे मुझे मिले उनकी पार्टी से, तो काफ़ी उन्हें अच्छा लगा। आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। तो इस केक को डिज़ाइन को ज़रूर जो है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ढेर सारा प्यार दें, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और इसे भी ज़रूर बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।